क्या बात, तो यही कितने सारे यादें हैं इन लोग के साथ। इन लोगों ने ये जो सब घराने के पार्श्वभूमि जिनको नहीं थी, वो जो डांस में आई, उन्होंने भी कथक को एक अलग आयाम दिया। घरानेदार लोग तो है ही है, उन्होंने उनका तो अपना गढ़ है, मगर इन लोगों ने भी कथक को एक नया आयाम दिया, आगे बढ़ाया। मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों में से शायद ही थोड़े ही लोग यहाँ घरानेदार हैं, मगर हम लोग भी कथक का झंडा पकड़ सकते हैं, ये कहने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद वो चतुरंग के चौपाल का है, दिखाना है, तैयार हो जाओ। उसके बाद कथक पहुंचा, ये बिरजू महाराज जी हमेशा कहते थे हम चौराहे पे नाचते थे, मतलब क्या, सब जगह पूरा वो नाच रहे हैं और चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। और कोई कहता था, ये महाराज जी की बात बता रही हूँ, कि कोई कहता था महाराज एक टुकड़ा इधर भी, तो मैं घूम जाता था और मैं उस तरफ टुकड़ा लगा देता था। कभी कहते थे इस तरफ से, तो इसका एक मैं जो बात कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ, वही दिखाना चाह रही कि चौराहे पे डांस चेंज हो गया, वो लोगों के बीच आ गया, एकदम पास में आ गया लोगों के, क्योंकि जो दरबार में भी था अलग थे लोग, नाच एक जगह हो रहा है, बाकी लोग ऊपर बैठे और नाच हो रहा है। ये चौराहे पे जो आ गया तो ये लोगों के बीच आ गया, एकदम भीड़ भक्कड़ के अंदर। और ये जो महाराज जी ने मुझे बताया था, उसका मैं हमेशा सोचती रही कि मतलब अगर महाराज जी पीठ घुमा के नाच रहे तो जो पीठ देख रहे हैं उनको भी तो कुछ देखना है, तो अगर मैं अपने डांसर्स को बीच में प्लेस करूं, बीच में और चारों तरफ से, क्योंकि आजकल तो हम लोग को आदत हो गई कि प्रोसीनियम स्टेज पे यहाँ नाच होता है और ऐसे देखते हैं, और सोचने वाला हम लोग तैयार भी उसको करते कि ऐसे ही देखेंगे, कोई पीछे से देखेंगे, कोई ऊपर से देखेंगे, ऐसे तो हम लोग सोचते नहीं। तो अगर मैं बीच में डांस करूं, मेरा ग्रुप बीच में करेगा और चारों तरफ लोग बैठे हैं, तो क्या होगा, उसका एक डेमोंस्ट्रेशन आप देखिए। लाइट्स बंद कर दीजिए प्लीज, हाँ, उसको बंद कर ¡Gracias!
यमन की बात सुनी अनसुनी करते हुए तो मैं चौराहे के डांस की बात कर रही थी कि चौराहा अगर स्टेज पे आ जाए तो उसको कैसे देखा जा सकता है। उसके बाद में तो ऑडिटोरियम में आ गए, जैसे आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऑडिटोरियम में आ गए तो जो डांसर के लिए पहले जगह थी वो बहुत लिमिटेड थी और डांस बहुत छोटे जगह पे नाचा जाता था। अभी डांस बहुत बड़ा स्टेज हो गया। पहले तो सोलो की बात करूँगी, आप स्क्रीन हटा दीजिए। पहले तो सोलो की बात करूँगी। पूरा स्टेज आजकल, और इसका श्रेय मुझे लगता है कि गोपी कृष्ण जी को है। पंडित गोपी कृष्ण जो जैसे आ गए, वो पूरा वहाँ से शुरू करते थे डांस और तबला प्लेयर के पास जाके घसीट के पहुँच जाते थे या कूद के पहुँच जाते थे, तो सबको लगने लगा कि एक जगह पे ऐसे सर्कमस्क्राइब्ड अगर डांस होगा तो उसका इतने बड़े स्टेज पे कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए कथक में ये जो स्टेज कवर करना है वो शुरू हो गया। आप देखिए बाकी शैली में इतना कवर नहीं होता जितना कथक में होता है। तो कथक में एक ये उपलब्धि है कि वहाँ से पूरा डांस कवर होता है, स्पेशली नृत्य में। और अभी अपने जो देखा कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग डांस खड़े हैं, अलग अलग जगह मूव करके कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्योंकि वो डांस समृद्ध रीस्ट्रक्चर होता गया, वो रिकन्स्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर होता गया। इसलिए वो मैं ऑडिटोरियम की बात कर रही हूँ क्योंकि जो अभी आपने देखा वो स्पेस अलग अलग बनता है। सीधे से देखते नहीं, अभी सीधे से और अलग मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगी। कोई आज उभरती है, कैसे ड्रॉप होती है, टक होती है।